हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद उम्मीद तो नहीं, मुझे उम्मीद से भी ज़्यादा उम्मीद है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और खुश होंगे और आबाद रहिए, खुश रहिए। और आपका फिर से बहुत 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 तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग मेरी वीडियोस को, मेरी इन छोटी छोटी यूट्यूब की ब्लॉग को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो, अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो। अगर मैं कुछ डालता हूँ स्टेटस पे, वो एक एज ए फ्रेंड ही लिखा जाता है, जैसे आप मुझे रिप्लाई करते हो तो मुझे और उम्मीद जागती है कि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ। सो आज का ब्लॉग भी कुछ अच्छी सी टॉपिक पे और अच्छी सी चीज़ से रिलेटेड इंटरेस्टिंग होने वाला है। आओ शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। क्या लगता है कि एक हस्बैंड वाइफ की फाइट नहीं हो सकती? अच्छे रिलेशनशिप में भी फाइट हो सकती है। आज ये रूठ गए, बार बार मना रहा हूँ पर नहीं मान रहे। मान जो यार। हेलो, ये हट जाओ यार, काम करने दो। सॉरी, ये शायद कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया। चलो मनाते हैं, रुको, कोशिश करता हूँ। बाकी आप भी कमेंट करना, जब भी भीड़ उठ जाती है तो कैसे मनाते हैं, ये मेरा स्टाइल है। बाकी आप ही बताना। हेलो मांजो, ऐसा क्या कर दिया मैंने? बोलने से पहले ना देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं, क्या किसको बोल रहे हैं। इतनी समझ हर हस्बैंड को होनी चाहिए। होनी चाहिए हस्बैंड में समझ, समझ रख लिया करो। और कि वाइफ को समझे, कि वाइफ को समझे। और क्या, रिश्ते को समझाने के लिए खुद को भी कुछ बदलना पड़ता है। रिश्ते को समझाने के लिए खुद को भी कुछ बदलना पड़ता है। कपड़े नहीं बदलने, खुद को बदलना है। और जो बातें बोली जाती है ना उस पर अमल भी करना पड़ता है। जो बातें बोली जाती है उस पर अमल भी करना होता है। और हमेशा अपनी नहीं चलानी होती, हमेशा अपनी नहीं चलानी होती। आप अंग्रेज नहीं हो, ये भारत है, आप अंग्रेज हो तो नहीं। और सामने वाले की भी सुननी चाहिए, सामने वाले की भी सुननी होती है, उसके ओपिनियन, उनके ओपिनियन समझना चाहिए, समझने चाहिए। और इससे रिश्ता बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। इससे रिश्ता बिल्कुल परफेक्ट होता है, मतलब कि हेल्दी रिलेशनशिप होना चाहिए। हेल्दी रिलेशनशिप में ये नहीं होता कि आपकी हेल्थ अच्छी है, हेल्दी रिलेशनशिप में होना चाहिए क्या, जो आपका माइंड है वो हेल्दी होना चाहिए, आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, आपका आपके वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली में जो एटमॉस्फेयर है आपके घर आने के बाद, वो आपसे डरे ना कि आप घर आ गए हो फिर से कुछ ये बोलेगा, जब बोलेंगे ऐसा हो कि आप घर से जा रहे हो जॉब के लिए और घर जब आने वाले हो तो लोग, घर के मेंबर्स एक्साइटेड हों, यार पापा आ रहे हैं, मम्मी आ रही है, ठीक है। तो ऐसा अपने आप को बनाओ। इंसान की सूरत मैटर नहीं करती जितनी इंसान की ज़ुबान मैटर करती है, सोच मैटर करती है कि सोच कैसी है। सोच से ही ज़ुबान कनेक्टेड है। आपकी सोच अच्छी होगी, ज़ुबान अपने आप ही अच्छी होगी, और ज़ुबान अच्छी है तो आपको हर कोई बुलाएगा, हर कोई, रिश्ता भी अच्छा होता है। और आपका, आपको हर कोई बुलाएगा उससे, चाहे वो आपका सिक्योरिटी गार्ड है सोसाइटी का, चाहे कोई भी है, छोटे से छोटा बंदा भी आपको इस तरह बुला लेगा जैसे आप उसके फ्रेंड हो, जैसे मुझे बुला लेते हैं। हाँ जी, इज्जत, इज्जत भी, इज्जत तभी मिलती है अगर आपकी ज़ुबान अच्छी है। आप अपने जो आपके कुलीग हैं या आपके फैमिली मेम्बर हैं, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आप कैसे हो वो मैटर करता है। अगर आप प्यार से बात करते हो तो हर चीज़, हर एटमॉस्फेयर आपका अच्छा होता है। तो जैसा कि इन्होंने कहा है वैसा ही हमें करना चाहिए, और बिल्कुल अच्छी बात है। और प्लीज़ अब तो ठीक है, ठीक है। सो यही है आज का टॉपिक कि हमारा रिलेशनशिप जो है अपने हस्बैंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ बिल्कुल प्यार भरा होना चाहिए। कि अगर हमारी आपस में छोटी सी कोई कम्युनिकेशन अंडरस्टैंडिंग हमारी नहीं मिलती, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो उसको छोटी सी खुशी के साथ, प्यार के साथ सॉल्व कर लो, ना कि उसको बढ़ा दो कि आप में कम्युनिकेशन गैप पड़ जाए, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको हर चीज़ समझनी भी चाहिए कि अगर जो आपकी वाइफ हैं,
आपका जो पार्टनर है, जो आपकी वाइफ है, वो सिर्फ ये नहीं है कि वो सिर्फ एक मदर है, उनकी अपनी भी इच्छाएं हैं। एक हस्बैंड है तो हस्बैंड सिर्फ ये नहीं है कि वो एक ऑफिस जाने वाला इंसान है जो जिसकी सैलरी आनी है उसकी सैलरी आएगी और घर का सब कुछ चलेगा। वाइफ को हस्बैंड की हर एक चीज़ समझनी चाहिए, हर एक अंडरस्टैंडिंग समझनी चाहिए कि वो उनकी और क्या क्या चीज़ें वो करना चाह रहे हैं या सोचना चाहते हैं या वो और चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं आपसे। ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। इससे हम अपने रिलेशनशिप को, हम अपनी हर चीज़ को अच्छा कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा व्यू और हम दोनों का व्यू अबाउट रिलेशनशिप कि कैसा होना चाहिए? तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने अपने व्यू भी दीजिए कि कैसा लगा आपको ये ब्लॉग। सो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, वही न्यू इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ और कुछ इंटरेस्टिंग जगहों के साथ। कल किसी अच्छी सी जगह पर जाके आपके साथ और इंटरेस्टिंग बातें करेंगे, इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाएंगे। आपको कैसा लगा ये ब्लॉग प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। आज मैं फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ इस ब्लॉग में, मैंने किसी भी ब्लॉग में ये नहीं बोला पर आज मैं फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ, प्लीज़ मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब करें। अच्छा लगा तो लाइक भी करें और अगले ब्लॉग में कुछ और अच्छी चीज़ों के साथ, इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ मिलते हैं। ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, सबसे प्यार करें, सबसे मीठे मीठी मीठी बातें करें, प्यार की बातें, कोई गलत चीज़ों में मत लेना, मीठी मीठी बातों का बहुत गलत आ जाता है। अच्छे अच्छे प्यार से बातें करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय, शबा खैर, गुड नाइट।